भाई का फोन आ रहा है। देखो तुम्हारे भैया होंगे, आज आने वाले थे ना। हेलो मिसेस चौहान। नहीं मैं उनकी बहन बोल रही हूँ। ललित चौहान अब नहीं रहे। क्या? अगर मैं भाभी को बताऊंगी तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अरे भैया आप तो। हाँ छोटी, तूने सही सुना था। तुम लोगों की दुआएं और आशीर्वाद ने मुझे जिंदा रखा और मैं यहाँ तक आ गया। मेरे हस्बैंड ऑफिस से निकल चुके, बस आते ही होंगे। और आपके? हाँ वो बस पहुँचने ही वाले हैं। अरे वो देखो मेरे पति आ भी गए। हेलो, क्या ठीक है? तुम ऑपरेशन की तैयारी करो, मैं तुरंत निकल रहा हूँ। सॉरी यार अर्जेंट केस है, मुझे जाना होगा। अरे ये क्या, तुम्हारे पति आए और तुरंत चले भी गए? तुमने उनके लिए पूरा दिन व्रत रहा और उन्होंने तुम्हारा व्रत भी नहीं तोड़वाया, कैसे पति है तुम्हारे से? अरे बहन, मैंने उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है और वो भी किसी की जान बचाने के लिए गए हैं, क्योंकि वो एक डॉक्टर हैं और अपना वो काम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, इसीलिए तो डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है। हेलो चौहान जी, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया। क्या जी? डॉक्टर ललित आपके पति का ऑपरेशन करने के लिए घर से निकल चुके हैं, आप भी जल्दी आ जाइए। ठीक है, सॉरी बहन, मुझे माफ कर दो, आपके पति मेरे ही पति का इलाज करने के लिए गए, मुझे जाना होगा।